नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे इंटरलॉकिंग का एग्जांपल। जैसे कि अभी हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल हैं कि अगर हम पुश बटन 1 को ऑपरेट करते हैं तो हमारे तीन आउटपुट M1, M2, M3 ऑपरेट हो जाने चाहिए। जब हम पुश बटन 1 एंड 2 को ऑपरेट करें तो M1, M2 ऑपरेट हो जाएंगे और M3 ऑफ हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम तीनों पुश बटन को ऑपरेट करते हैं तो सिर्फ M1 ही ऑपरेट रहेगा। तो ये इंटरलॉकिंग के कंडीशन है, तो इसे हम परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जैसे हम इनपुट 1 को ऑपरेट करें तो हमारे तीन आउटपुट्स हम ऑपरेट कर सकें, Y0, Y1 एंड Y2। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन कहती है कि जब पुश बटन 1 एंड 2 ऑपरेट होंगे सिर्फ 1 2 ऑपरेट होगा और 3 ऑफ रहेगा। उसको ड्रॉ करने के लिए हम नेक्स्ट इनपुट लेंगे X0 एंड X1। जब ये ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन पे सिर्फ हमें Y0 Y1 चाहिए, Y2 ऑफ रहना चाहिए। तो इसको ऑफ करने के लिए हम NC का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह NC हम X1 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि X0 के थ्रू ऑपरेशन चलना चाहिए हमारा Y0 Y1 Y2 का। और जैसे ही हम X1 को प्रेस करें तो Y0 Y1 प्रेस ऑपरेट हो, Y2 ऑपरेट ना हो। थर्ड कंडीशन है कि X0 ऑपरेट होगा, X1 ऑपरेट होगा एंड X3 ऑपरेट होगा। तो उस कंडीशन पे Y0 ऑपरेट होना चाहिए, Y1 एंड Y2 ऑफ रहेगा। तो हम यहाँ पे एक NC का इस्तेमाल करेंगे X2 की। तो इसे एक बार वेरीफाई करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे X0 को ऑपरेट करते हैं तो तीनों ऑपरेशंस हो रहे हैं, M1, M2, M3, दैट इज Y0, Y1, Y2। अब जब हम दूसरा स्विच 1 एंड 2 दोनों को ऑपरेट करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ऑपरेट हो रहा है और थर्ड ऑफ होगा। तो यही हमारी सेकंड कंडीशन थी कि जब पुश बटन 1 एंड 2 प्रेस होंगे तो आउटपुट 1 2 ऑफ ऑन रहेगा और 3 ऑफ हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन है जब तीनों इनपुट ऑपरेट होंगे 1 2 एंड 3 तो सिर्फ M1 ऑपरेट होना चाहिए। तो जब हमने यहाँ से तीनों स्विचेस को प्रेस किया तो खाली हमारा आउटपुट Y0 ही ऑपरेट हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक इंटरलॉकिंग कंडीशन को यहाँ पे परफॉर्म अगर इसको और शॉर्ट करना है तो लेट सपोज अगर हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं, इस प्रोसेस को कंपाइल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो लेट सपोज फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास कि जैसे ही हम इनपुट 1 को ऑपरेट करें तो तीनों ऑपरेट होंगे। अब 1 भी ऑपरेटेड है और 2 को अगर हम ऑपरेट करते हैं तो सिर्फ 1 2 चलेंगे, 3 ऑफ रहेगा। और 1 को ऑपरेट किया, 2 को ऑपरेट किया और 3 को ऑपरेट करते हैं तो सिर्फ 1 ही ऑपरेट रहेगा। तो इस तरीके से हम इंटरलॉकिंग कंडीशंस को परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू इनपुट कंडीशंस। थैंक यू।